टू 7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातवा। ये नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जनपद बहराइच के विकासखंड चितौरा के अंतर्गत कुरुवारी उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना इस अस्पताल में शौचालय है, ना ही नल लगा हुआ है, ना बिजली की व्यवस्था है और तो और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। जब यहां के ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों से इस अस्पताल की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ के ग्राम प्रधान सहीदून मिश्रा से 4 सालों से कहते आ रहे हैं मगर इस अस्पताल की रोड की तरफ नहीं देख रहे वो। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान यहाँ नहीं रहते हैं, न यहाँ कोई जांच करने के लिए आता है। बारिश में अस्पताल आना जाना बंद हो जाता है, रोड सरोवर में तब्दील रहता है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। एक तो मैं CHO की पोस्ट पे और फिर हमारे से नीचे ANM रहती है और फिर जो फील्ड में जो भी अपने अपने क्षेत्र में होती है आशाएं होती है, तो यहाँ पे 8 आशाएं, 1 ANM है, 1 और नहीं है अभी, और अभी यहाँ स्टाफ मतलब आया नहीं है यहाँ के लिए। अभी यही स्टाफ क्या हो गया आने का टाइम यहाँ पे, और स्टाफ ऐसे रहता है जैसे महीने के अंदर VHND होती है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जो सुपोषण स्वास्थ्य मेला लगता है ना वो रहता है, तो यहाँ सेंटर पे तो एक दिन लगाया जाता है, जो महीने का पहला बुधवार होता है ना उसको यहाँ पे लगाया जाता है और बाकी के अपने अपने क्षेत्र में लगाए जाते हैं। स्टाफ बराबर आते हैं कोई नहीं? नहीं स्टाफ बराबर आते हैं, लेकिन उनका जैसे 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 इम्यूनाइजेशन का रहता है, टीकाकरण का रहता है, जैसे अभी इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा था प्लस पोलियो अभियान चल रहा था, उसमें क्या है जैसे क्षेत्र डिवाइड होते हैं ना, जैसे 8 आशाएं हैं, 8 क्षेत्र हैं, तो अपने अपने क्षेत्र जाके उस हिसाब से डिवाइड कर रखा है और वहाँ पे दवाइयाँ ऐसा सारी हैं उनको समय समय से। अभी देखो ऐसे जैसे हमारी पोस्ट अभी नई नई मिली है, मतलब जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है ना इसने भी इसी पोस्ट को मतलब ज़्यादा 2-3 साल से ही डेवलप हुआ है, तो इसमें ऐसे है अभी तो हमारे को क्या है जैसे जो हमारा CSC रहता है ना वहाँ से दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है, लेकिन अब CSC से हाँ, लेकिन अब भविष्य में इसका ऐसे करा जा रहा है भाई, आगे विचार कर रहे हैं कि भाई इनको 50,000 का फंड दिया जाएगा, उस हिसाब से ये अपने ऑनलाइन जो भी दवाई खत्म होती है ऐसे प्लान बनाया जाता है। कब से पहुँचते हैं यहाँ पे हम? अभी हमारे को 5-6 महीने हुए हैं। हाँ ये मतलब ये बिल्डिंग बनी है? हाँ ये बिल्डिंग बनी है, जनाई बिल्डिंग आप ही का पोस्ट हुआ है? हाँ ये बिल्डिंग जो पर्सनल ये CHO के लिए बनाई गई है, ये इधर वाली बिल्डिंग उधर वाली ANM के लिए बनी हुई है, तो ये CHO के लिए। डॉक्टर साहब बताइए कि जो रास्ता इतनी जर्जर है हाँ लोग निकल नहीं पा रहे हैं, उसमें उसकी विषय क्या है? उसकी विषय में यही है कि हमने यहाँ के जो प्रधान जी है, जो यहाँ के जो प्रधान जी जो मेन है वो तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनसे तो कभी हमारी मुलाकात हुई है। यहाँ के प्रधान जी हैं? हाँ वहाँ रहते नहीं, यहाँ नहीं रहते, कुरवाली में प्रधान कौन करता है? तो यहाँ उनके एक भाई है, यहाँ की जो आशा है उनकी मदद से हमने पूछा भाई प्रधान जी को, उन्होंने बताया भाई यहाँ उनके भाई हैं वो देखते हैं। तो इसके विषय में आपने शिकायत किया लोग को आने जाने में दिक्कत होती है भाई, आप आम जनता हर हर आदमी से कब फायदा हुआ है? बिल्कुल सही बात है, तो इसी विषय में शिकायत आपने नहीं किया? हमने उनसे मिली थी, मिला था, तो वो बोले भाई हम करवा देंगे, जैसे भी लगा कि यहाँ से जो भी रास्ता है यहाँ पे जो खरंजा जमुआ उन्होंने हमसे बात की थी, लेकिन फिर वो दोबारा कभी आगे नहीं हुआ। हाँ अभी यहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है और टॉयलेट वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, और आप लोग की मान लीजिए पानी की व्यवस्था उनका कैसे होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पानी की व्यवस्था है, जो व्यवस्था मतलब व्यवस्था है नहीं है? हाँ सही है, जो डेली हमारे यहाँ आपके यहाँ काम करते हैं उसका हाँ हाँ उनको भी लाइटिंग की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ व्यवस्था पड़ती है बिल्कुल जरूर, और कहाँ जाएगी ना कोई बाहर स्टाफ कहीं नहीं जा सकता, बाहर बाहर खुला हुआ चारों तरफ बाहर भी आदमी रहते हैं, तो इसके लिए टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए। प्रधान जी साहब कहे नहीं इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा, विशेष ध्यान नहीं देगा प्रधान जी, जो मेन प्रधान जी वो तो कभी मिले नहीं थे, आपको झूठ बोले जी, और जो उनके भैया थे उनसे मिले थे वो बोले थे दिलासा दिया था भाई हाँ हम कर देंगे, फिर उसके आगे उन्होंने कुछ किया नहीं।
आप बताइए क्या नाम आपका है, शुभ नाम क्या है, किस ग्राम सभा में रहते हो? ये बताइए कि इतनी व्यवस्था जर्जर है, रास्ता इतनी खराब है कि आप लोग शिकायत नहीं करते हैं किसी से, प्रधान जी से? की शिकायत मैंने जन सूचना मांगा था। अच्छा, जन सूचना में लगभग हो गया 3-4 महीना, नहीं कोई सूचना नहीं दी गई। और यहाँ बताइए, महिलाएं भी रहती हैं स्टाफ, यहाँ ना लैट्रिन की व्यवस्था है ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, तो लोग कैसे लैट्रिन जाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, क्या करते हैं? खुले में जाते हैं। इसके विषय में आप लोग शिकायत नहीं किया किसी? शिकायत किससे किया गया? प्रधान उच्च और सेक्रेटरी कोई बातें नहीं सुनाते, खरंजा के लिए हम कह रहे हैं सेक्रेटरी अफ्ती से बरखा में तो कोई बातें नहीं है, अफ्ती से बड़ी दिक्कत होती है। तो हम बता रहे थे, बताइए इस वक्त ये स्थिति है, देखिए रास्ता आने जाने में क्या दिक्कत है, बरसात में लोग कैसे आते होंगे यहाँ पे? ऐसे कोई मैं चलता पानी फिर क्या हो जाता? आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? रंगीलाल। तो आप लोग शिकायत नहीं कर किया किसी प्रधान जी से? प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं? हाँ नहीं सुन रहे हैं। अपन घारी मुसैला बनवाओ प्रधान जी। और का? प्रधान जी का नाम क्या है? शहीदुन्नीसा। प्रधान जी किस ग्राम से रहते हैं? देखुरुआ। तो ये सब ना बता है, खराब है, कैसे आप लोग आते हैं? तो कोई नहीं, जावा जावा जाते हैं। और बरसात में कैसे आते जाते हैं? पानी उतर के आवा जाते हैं, पानी उतर जाते। शिकायत आप लोग करते हैं लेकिन आप लोग कुछ कोई मतलब समाधान नहीं किया जाता है? कौन समाधान, जब पैप गिरा ही रहा था कोई वजह नहीं। नाम क्या है आपका? रंगीलाल। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा किस गाँव में रहते हो? कुरवारी। ब्लॉक क्या है? तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।